ठीक है तुम अच्छे से रहना, ठीक है आदि होगी। अच्छा हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज कल का जो दिन था वो तो ख़त्म हो चुका है, कल पता भी चल गया है कि जीजू जो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। पूरी तरह से तो नहीं पर डॉक्टर बोले कि धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा। और आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए। उससे पहले रंजना जो है वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रही है, वहाँ पर जितना भी रूम सफाई हो रहा है क्योंकि नौमी आने वाला है। और उसी के साथ साथ हम लोग हो सकते हैं कि बहुत जल्द यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सा सूट पहनी है। अच्छा और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम के लिए निकल रहे हैं, देखते हैं कि कब तक निकलेंगे यहाँ से हम लोग। हाय गाइस, तो आज जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा मॉल वॉल घूमने, और घूम के हो सकता है कल परसों हम लोग निकल जाए यहाँ से। गाइस मॉल नहीं जा रहे, कुछ सामान लेने जा रहे हैं लोग। हाँ तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ नहीं मिलता है। और क्या है कि जाना जरूरी है कि नवमी चढ़ जाएगा, जो नवरात्रि फर्स्ट चढ़ जाता है, तो इधर से उधर कोई जाएगा आएगा नहीं। और इस बार देखते हैं, छठ भी कर रहे हैं हमको, तब जल्दी से घर पहुँचेंगे और खूब अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेगा आप लोग को देखने के लिए। और क्या है कि वहाँ रंजना सब सफाई कर रही है घर को, तो हम लोग नवमी के पहले नवरात्रि के पहले होता है सफाई, तो अच्छा है कि ये सब चीज़ सोच के कर रही है। हालांकि कल उसको बुखार भी था, थोड़ा तबीयत ख़राब था, तो रात में बोल रही थी, लेकिन सुबह पापा दवा ला के दे दिए हैं उसको। तो अब हम लोग भी एक दो दिन में सिवान पहुंच जाएंगे। प्रदीप बाबू का कान का जो है वो कुछ दिन के लिए डॉक्टर बोला है कि 1 महीना या 15 दिन या 2 महीने के बाद अगर नहीं अच्छा से होगा, मैंने क्लॉट जो जमा था वो ठीक हो गया है, चदरा की बात है, तो 1-2 महीने के बाद अगर करेगा तो उस समय देखा जाएगा, जैसा होगा समय वैसा किया जाएगा। तो चलिए, और मेरा जो है मेरा भी अब उधर ही उसी साइड होगा जिधर हुआ है पहले। आज लेके हमको 8 दिन हो गया यहाँ आए हुए, मंगलवार को रात में हम आए यहाँ, आज मंगलवार है, 1 हफ्ता से उस दिन 1 दिन बेसी हुआ, कल हो सकता है हम रहेंगे, 10 दिन के अंदर निकल जाएंगे। और उससे पहले आप लोग को बताते हैं कि अभी मम्मी आई हुई थी तो बहुत मस्त एकदम सबको खिला ली, अब बोल रही है कि अब चला जाए घर। और सब लोग खुश हो गया भाई, चलिए ठीक है, भगवान करे कि अच्छे से सब हो रहे लोग खुश रहे लोग, तो बस मेरा भी उसी में खुशी है। और बहुत समय हो गया, 1 हफ्ता हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब चलिए बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है, और जैसे मैं डेली अपने रूल को फॉलो करती हूँ, नहा कर रेडी हो चुकी हूँ, और आज मैं ये वाला साड़ी पहन ली हूँ क्योंकि आज है मंगलवार, तो मंगलवार को हमारे यहाँ हम लोग रेडीमेड साड़ी पहनते हैं। तो बस अब हो चुका है, और मैं भी पापा जी को काढ़ा बना कर देती हूँ, और गर्म पानी और सेव भी कट कर देती हूँ, तो अभी वो खा रहे हैं। और खाने के बाद अब वो जाएंगे ड्यूटी, तब तक अब मैं इधर जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी कर देती हूँ क्योंकि अभी स्कूल पे भी जाना है। तो मैं सोची थी कि जब नहा ली हूँ और रेडी हो चुकी हूँ तब जल्दी से किचन में आकर और फिर नाश्ता रेडी कर दूँ। वैसे टाइम नहीं लगता है, 2 जन का बनाने में 1/2 घंटा में बन जाता है नाश्ता, उसके बाद बाकी दोपहर का खाना दोपहर में बनाते हैं। तो बस यही सब है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं आगे अब क्या करने जा रही हूँ और नाश्ते में क्या बनाने जा रही हूँ। अब बस रोटी बनाना है, तो जल्दी जल्दी रोटी बना दूँगी, फिर नाश्ता बन जाएगा, फिर नाश्ता कर उसके बाद मैं भी थोड़ा देर। तो यहाँ पे अभी रोटी बन रहा है, बाकी इतना ही बना दिया है, अब जल्दी से चलते हैं इसको। बस रोटी बन के बाकी यहाँ दाल हो रहा है, तो फाइनली यहाँ अब रोटी बन चुका है, और यहाँ आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे पापा जी नाश्ता नहीं किए, बोले कि हमको पैक कर दे दो टिफ़िन में, मैं वहाँ स्कूल पे खा लूँगा।
तो अब चलते हैं, दे देते हैं। हे गाइस, तो यहाँ का सब्जी देखिए कितना मस्त मस्त है, इसलिए हम बायो फैमिली आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज ये सब्जी आया है, ले आए हैं प्रदीप बाबू। आज सब लोग घर में खुश है, लेकिन प्रिंस को छोड़ के उसका दूसरे हो गया, इसलिए ये आज सब्जी, इसको क्या बोलते हैं, सेमरहरी हम लोग यहाँ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं इसको, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस चीज़ का सब्जी है। तो इतना सारा सब्जी लाए हैं, यहाँ पे है धनिया पत्ता, हम लोग हर सब्जी में डालते हैं धनिया पत्ता इस समय। और यहाँ देखिए लौकी, इतना सुंदर ताज़ा लौकी मिला है, इसका पकौड़ी बहुत अच्छा होता है और सब्जी भी इसका बहुत टेस्टी होगा, अभी फूल लगा हुआ है इसमें। और ये आया है खीरा, आया है सलाद के लिए। और ये मूली हमको बहुत पसंद है, हम खाते हैं मूली। और यहाँ पे भिंडी है, तो आया है, हम लोग घर पे रोज साग खाते हैं तो साग जरूरी होता है। यहाँ पे सब सब्जी, हम सोचे कि थोड़ा सा सहार दें कि पूजा बर्तन वर्तन तले निकाल रही है किचन में, तो ये सफाई हो जाए। और यहाँ मिर्चा, सब्जी है तो काट दिया जाएगा, बन जाएगा सब्जी। नहीं मतलब ज्यादा नहीं है, हम सब्जी है खाना, तो बस। तो गाइस यहाँ पे फाइनली रेडी प्यारी प्यारी गुड़िया, और ये देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है आज, और ये बॉक्स कितना खूबसूरत लग रहा है। और गाइस एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये वाला पाउडर जो है हम लोग लेके जाएंगे अभी और भी सामान इसमें खरीद के, क्योंकि यहाँ पे मिल जाता है लहसुन पाउडर। इस बार सोच रहे थे आए हैं तो इसका कान छेदन करा दे, लेकिन इसका बर्थडे के बाद कान छेदन होगा, तो इसको हम गोल्ड कर ईयर रिंग देंगे खरीद के, उसी से छेदाएगा कान। चलिए चुप हो जाइए, उसके बाद से गाइस दो को मामा है, दोनों मामा मिल के देगा, है ना, कुचकी को मामा मामी देगा, लो मामा मामी कह दे मामा हमको दे देना कान का, हाँ बड़का मामा से बड़के लेना, छटका मामा से छटी चुकी लेना। और गाइस अभी आपने एक बात बताया, कुछ दिन पहले जो है मम्मी का अभी ब्लड टेस्ट हुआ था, उसका भी रिपोर्ट आ चुका है, उसमें मैक्सिमम चीज तो मतलब 21 पेज का जो है ना वो कम से कम आया है, जिसमें 98 जांच था, तो उसमें 2-3 चीज निकला है जो कि आप मम्मी बोलिए घर चला जाए यहाँ से, वहाँ जाके देख के वहीं पे ठीक हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं निकला है, थोड़ा सा किडनी में इन्फेक्ट बताया है और यूरिक एसिड बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ा है, तो चलिए अभी रो रही है जो विटामिन। मेरा भी ठीक है, क्या कर रही हो? बस वही सोचे थोड़ा सा डाइनिंग हॉल पे थोड़ा अरेंज करते। तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन थोड़ा घाव हो गया तो थोड़ा काफी दर्द हो रहा है। तुमको बार बार कहाँ से कुछ निकल जा रहा है? पता नहीं, एकदम शांति है, तुम ना उठने में बैठ रहा है ना बैठने में बैठ रहा है, ना उठने में उठ रहा है ना बैठने में बैठ रहा है। कहीं पे एकदम जानती है, सोच रही कि बैठ के कुछ करती, तुम तो काफी दर्द हो जा रहा है। तब तक तुम सोचती होगी कि हमको छोड़ के चल गया है सब लोग। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, अब सिचुएशन ही ऐसा आ गया है कि क्या करें, जाना तो पड़ेगा। अच्छा पापा खाना खाए हैं? पापा जानती है ये क्या बोलते हैं, नाश्ता पैक करके दे दिए थे आज, तो बहुत फैमिली बना लिए थे, कल पापा जी बोले कि हमको 7:30 बजे चाहिए, और कल से स्कूल मॉर्निंग होगा स्कूल कल से, तो बोले क्या कि सेव काट के दे दिए, खा लिए, चाय भी बना कर दी, फिर बोले कि हमको नाश्ता क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए तुमको, इधर आओ इधर। हाँ ठीक है, तुम अच्छे से रहना, ठीक है, आधी होगी। अच्छा